अतीक अहमद भले ही साबरमती के जेल में कैद हो, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ जहां अतीक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, वहीं अब उसके करीबी लोगों की अवैध संपत्तियों पर भी जिला प्रशासन और पीडीए की नजर है। अब अतीक और उसके भाई अशरफ के करीबी बिल्डरों के निर्माण पर बुलडोजर चलाने की योजना है। पीडीए के अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 65 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। इसे जल्द ही बुलडोजर से ध्वस्त कराने की तैयारी है। पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक अवैध निर्माण करा रहे अतीक के करीबी बिल्डरों की सूची तैयार की जा रही है। जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा लिया है या निर्माण करा रहे हैं, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया जाएगा। अतीक अहमद व अशरफ से जुड़े लोगों की ज्यादातर संपत्तियां झलवा धूमनगंज क्षेत्र में है। इसके अलावा कुलरगंज सिविल लाइन, सहगंज चौक, बहादुरगंज, गौस नगर, करेली में भी अवैध संपत्तियां हैं। इन क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्यवाही होनी है। इसमें कुछ बिल्डरों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए ही बहुमंजिला इमारत खड़ी करा दी है, जिसे चिन्हित किया जा रहा है। इन लोगों को पीडीए की ओर से नोटिस भेजी जा रही है।